मैं बात किसी कर रहा था, ये हमारे धुआंधार जी ये पेशे से डॉक्टर है साहब, ये मैं पिछली बार इनके क्लिनिक में गया भाई, वो सच्ची घटना बता रहा हूँ। रात का समय था, एक पेशेंट को ये दो पुड़ियां दे रहे और उसको ज्ञान दे रहे। बोले सुन बे, ये दो पुड़ियां दे रहा हूँ, एक तो रात में सोते समय खाना और दूसरी सुबह उठ जाए तो। समझ गए ना लोग, ये धुआंधार जी वहां खड़े। अंग्रेज आया, बोले आपका दाढ़ी बहुत अच्छी है। मैंने कहा अच्छी है तो क्या करना है? बोले हमको एक बाल चाहिए तुम्हारी दाढ़ी का। मैंने कहा यार बामन आदमी, इन्हें कहा बिजनेस का अच्छा मौका है, इन्हें कहा एक बाल तो मिल जाएगा लेकिन $500 में दूंगा साहब। ये बोले बोले लिया $500 एक बाल को। भाई साहब ने अंग्रेज से $500 लिए, जेब में डाले, इसके बाद एक पीछे से एक बाल निकाल के उसको दे दिया। अंग्रेज बोला ये तो चीटिंग है, व्हाट इज दिस चीटिंग। बोले मैंने तो गाड़ी का बाल मांगा था। इसने बोला बेटा सुन बे अंग्रेज की औलाद, ये तू देख रहा है ये तो शोरूम है, माल तो गोदाम से ही मिलेगा। जोरदार तालियों से साफ स्वागत किया जाए। एक मैं बीत रस के एक बहुत अच्छे कवि को बुलाना चाहता हूँ मित्रों, माँ के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी। पंक्तियां याद आती हैं कुंवर बेचन की, आप बराबर तालियां बजाते रहिए कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। वाह वाह वाह, ऐसी ताली आना चाहिए। 3.5 ताली प्राप्त हुई आप लोगों की, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आज के मंच के अमिताभ बच्चन, डॉक्टर रमेश शर्मा धुआंधार। पूजा अर्चना की तरह मैं ये काम करता हूँ, सबसे पहले आप सबको झुककर प्रणाम करता हूँ। मालिक ने बख्शी है कप्ताई दौलत मुझे, ये दौलत मैं आप सबके नाम करता हूँ। मेरे को अमिताभ बच्चन का हकीकत बात यह है कि मेरी और अमिताभ बच्चन की बहुत बातें मिलती हैं। मेरी तुक्की दाढ़ी, उनकी भी तुक्की दाढ़ी, उनकी एक शादी, मेरी भी एक शादी, उनको एक लड़का, मेरे को भी एक लड़का, उनकी एक प्रेम का रेखा, आपने मेरी को नहीं देखा। वाह 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 वाह, धन्यवाद। उनकी हाइट 6x5, हमारी 5x6। क्या बात है, बजाओ यार ताली बजाओ और निकलेंगे कुछ। वो बहुत स्वाभिमानी, हम भी बहुत स्वाभिमानी, वो मेरे घर नहीं आए तो हम भी उनके घर नहीं गए। वाह 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 वाह, धन्यवाद। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942, मेरा जन्म 14 अक्टूबर 1948। 3 दिन पिताजी की टाइमिंग बिगड़ गई। अब वो अमिताभ बच्चन है और मैं धुआंधार हूँ, इतना बड़ा फर्क क्यों? फर्क इसलिए कि मैं तो उन्हें जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता। मैंने रवि से कहा यार, लेट आया थोड़ा, मैंने रवि से कहा भैया फोन लगा के कि भैया कहाँ आना है। बोले साहब सदर बाजार चौराहे पे एक अग्रसेन की मूर्ति है ना, उनकी मूर्ति लगी, उसके सामने ही मंच है। अब मैं इतना घूम के आया ऑटो वाला बार बार, मैंने एक सज्जन से पूछ लो कि अपन को कहाँ चलना। तो एक सज्जन मुझे मिले, मैंने कहा भाई साहब वो सदर बाजार की तरफ ये क्या रास्ता यही गई है? बोले हो। फिर और आगे आए, एक चौराहे मिला, फिर लफड़े में पड़ गए किधर जाए। तो मैंने कहा क्यों भाई साहब, सदर बाजार के लिए चौराहा पे जो बाएं हाथ मुड़ते क्या इधर ही वो जा रहा है? बोले हो। तीसरी बार बिल्कुल पास आए तो मेरे को लगा कि शायद यही है। तो मैंने उन सज्जन से कहा भाई साहब क्या कभी सम्मेलन यही होने जा रहा है? बोले जी हाँ। और इतना कहते वो चल दिए। मैंने कहा भाई साहब रुको, आपके यहाँ शहर में 2 भाषाएं चलती हैं क्या? ये बोले एक ही चलती है। ये मैंने कहा कुछ अभी 2 लोग मिले तो ना हो का, और आपने जो है ना जिया का। बोले नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, यहाँ जो पढ़े लिखे हैं वो जिया कहते हैं और जो अनपढ़ गंवार है वो हो कहते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? बोले हो। कोशिश कर रहा हूँ आज पहन के, नहीं सही बात है, मैं डर क्यों रहा हूँ कि मेरे पीछे जो है ना फिर भी हाय हाय। अब मतलब इतना कोई दिख गया, अब जैसे राष्ट्रपति के सामने चपरासी खड़ा हो जाए तो क्या हालत होगी उसकी। मैं इसे, और आपको एक बात बता दें कि अगर मैं आज कुछ अच्छा पढ़ जाऊँ
तो इन सबके बुजुर्गों का जो जो दिग्गज कवि है इनका इनका जो है ना संगत का असर मानना। और अगर वायदा में फिर फिलाफ हो जाऊं तो मैं अपने आप को कोसूंगा मैंने इनकी संगत क्यों की। कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, बहुत लंबी बात को मैं चंद लफ्जों में कहना चाहता हूं, वर्षों का काम मैं हफ्तों में करना चाहता हूं, मुझमें काबिलियत कहां महान कवियों की, मैं तो अगला सा कवि हूं, बात कतों में करना चाहता हूं, बात कतों में करना चाहता हूं। वो बात कतों में भी क्यों करना चाहता हूं कि बंद मुट्ठी लाखी तो खोलने की क्या जरूरत, वो घर बैठे बन जाए बात तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत, और जब बात हो जाती है बहुत धुआंधार चार पंक्तियों में तो बेमतलब ज्यादा बोलने की क्या जरूरत। ये बातें मेरे पास मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बहुत अच्छा कवि हूँ, ये अलग बात है कि आपने बहुत दिनों बाद बुलाया। एक जैसे इन्हें कहा कि डॉक्टर मेरे को कहा कि उठ जाए तो सुबह खाना, ऐसा नहीं था। एक बार एक मेरे पास एक लड़का आया, उसने मुझे चेक कराया, मैंने उसका प्रिस्क्रिप्शन पर्चा बनाया, मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम, बोले राम कुमार दर्जी। मैंने कहा बेटा 10 महीने पहले तुम आए थे तब कुछ और नाम बता रहे थे, आज कुछ और बता रहे हो, क्या बात है, क्यों छुपा रहे हो। बोला सर हम कुछ भी नहीं छुपा रहे, सब कुछ सच बता रहे, 10 महीने पहले मैं राम कुमार वर्मा था, उसके पहले शर्मा था, उसके बाद लोहार हुआ, आज राम कुमार दर्जी, आगे मम्मी की मर्जी। छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको अगर आदमी समझ ले तो हंसी आ जाती। देखो साहब, सबसे कीमती दुनिया में अगर कोई चीज है तो हंसी है। कहते हैं पहाड़ों से दरिया बहाता है कौन, शहरा में गुल खिलाता है कौन, रहमत होती उसकी तो हंसते हैं लोग, वरना आज के दौर में मुस्कुराता है कौन। एक छोटी सी छड़का की बहुत लंबी बना दी, जरूरत नहीं थी, इतने पैसे हम ही देते, हम ही अच्छा पढ़ते। जबरदस्ती कुछ ना कुछ तो देनी पड़ा होगा ना, तो कटौती तो हम बड़ों की हुई ना। चल ठीक है चलते हैं, कई बार ऐसे भी। और वो आदमी को जबरदस्ती भगा रहे, वो कौन था अभी, उसको पुलिस वाले पकड़ गए, उसकी क्या गलती, उसके 20-25 साल उसके बाप ने गलती की, वो पकड़ उसको ले गए। भाई साहब बैठ, देखो अब ये देखो बैठ ही नहीं रहे, जब भाई साहब तुम बैठ नहीं पा रहा तो शायरी का खाक सुन पाएगा, इससे बेहतर है तू घर चला जा, नहीं तेरी जगह कोई और चला जाए। हाँ जब फायदा क्या है, इधर उधर बैठ जा रहा हूँ, अरे तुम भी बैठ जाओ यार, ना यहाँ उत्पात करना, माँ खुरापात कर, तेरा पड़ोसी उठ कर गया घर की तहकी का। पैदा छोटी छोटी ताली बजाओ भाई जोरदार। मैं छोटी छोटी बातों में कई बार बड़ी बात कह जाता हूँ हंसने की, अगर आपको ऐसा लगे तो आप समझ लेना। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझसे बेहतर शायरी की आस मत करना, मुझसे बेहतर शायरी की गाने की आस मत करना, सूखे कुएं में पानी की तलाश मत करना, कोशिश करूंगा हंसाने की धुआंधार, हसीना आए तो बाद में बकवास मत करना। साफ बात है। और एक बात और बता दूं, मैं पैसे से डॉक्टर हूं, भगवान के पास से अच्छे घर में पैदा हुआ हूं, मेरी करामात नहीं है, मेरे पिताजी की, और मेरा क्या किया, प्रयास तो उन्हीं के हैं, उनके लिए एक बार खाली हो जाता हूँ। तो तब मैं ये बात कहना कि शायरी पढ़ना मेरी मजबूरी नहीं, शायरी पढ़ना मेरी मजबूरी नहीं, आदरणीय अच्छी पढ़ू ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं, शायरी पढ़ना मेरी मजबूरी नहीं, अच्छी पढ़ू ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं, और इन नंबरों के आगे मेरी गिनती नहीं, लेकिन ये बात भी सच है मेरे बिना गिनती पूरी नहीं। ये बात भी सच है मेरे बिना गिनती पूरी नहीं, गमों के मौसम में खुशी की बाहर हूँ मैं, यारों का यार दुश्मन का प्यार हूँ मैं, किसी का होता होगा शुरू और अंत, मेरा और ना छोड़ ना धार हूँ। और देखो साहब एक बात बता दें, ईमानदारी की बात है, चाहे बड़े कवि उस बात को माने चाहे नहीं माने, लेकिन आप सब लोग जो श्रोता है ना, यही कवि को बड़ा छोटा बनाते हैं, आप तो उस बात को मानते, अभी आप वो करने लगो उठ कर दो हमारी हस्तेसी हो जाएगी, ताली बजा दोगे खुश हो जाएंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे। तो बड़ा छोटा कोई नहीं होता, मंची कवियों की एक सी नौटंकी है, उछाल में कोई भालू तो कोई मंकी है, मंची कवियों की एक सी नौटंकी है, उछाल में कोई भालू तो कोई मंकी है, जो जहाँ जम जाए धक जाए वही धुआंधार, कविता ना इनकी डंकी है ना मेरी डंकी है। और मैं तो वैसे भी सब धुआंधार हूँ,
तब मैं ये चार पंक्तियां अपने ऊपर कहता हूँ कि मात्राएं तुम जोड़ो। मुझे साहब कोई व्याकरण का ज्ञान नहीं, ईमानदारी की व्याकरण चल रहा है, इनमें से कोई कबीर का वंशज है बस चल रही, जिसकी धक गई धक गई, किसी की बहुत ज्यादा धक गई को फिर बड़ी लिफाफा ले गए। तब मैं ये चार पंक्तियां मेरी कि मात्राएं तुम जोड़ो, मैं तो मुक्त छंद लिखता हूँ। मात्राएं तुम जोड़ो, मैं तो मुक्त छंद लिखता हूँ। समय के साथ हृदय की पीड़ा भावों के द्वंद लिखता हूँ। और बेशक निकालो गलती हजार मेरी, मैं तो धुआंधार हूँ अंधा धुंध लिखता हूँ। और साहब एक बात और कह दें कि हर प्रवीण कुमार होशियार नहीं होता, हर किसी का ठोस आधार नहीं होता। और मिल जाएंगे कहीं तुम्हें धुरंधर, हर धुरंधर धुआंधार नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ऐसे ही कप्पेबाजी करता रहता हूँ, काम चल जाता है। हाँ, बाकी हकीकत की बात है। अब एक बार क्या हुआ, मैंने कुछ दिन जो है ट्रांसपोर्ट का भी काम किया है, तो मेरी ट्रांसपोर्ट पर ड्राइवर आते थे। ग्वालियर के भी बहुत लोग जानते हैं जो ड्राइविंग कर चुके हैं। नहीं, आपसे नहीं कह रहा, आप तो प्रोफेसर है सर, आपसे कैसे कह दूंगा ड्राइवर की। आपको नमन करता हूँ, आपका तो पहले भी आगे से आसाम, पीछे से रेगिस्तान है, वाह क्या अजब हिंदुस्तान है। अच्छा, ये मंच जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि मंच बहुत अनाक है, और ये कौमी एकता, इसमें मुस्लिम श्रोता भी होंगे, वो तो कुछ हाथ उठा दे। अरे बहुत है, अरे बहुत है, कुछ नीचे उठा के दो कितने उठाना ऊपर था, खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। तब इस मंच के लिए चार पंक्तियां कि आपके शहर की भी क्या अजूबी शान है, आपके शहर की भी क्या अजूबी शान है, मजे भी जिस्म भले अलग हो पर सबकी एक ही जान है। क्या बात, तुम तुम्हारा नजरिया भले कहे इसे मुराद, हम हमारा नजरिया कहता ये पूरा हिंदुस्तान। क्या कहें, वाह 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 वाह, हम हमारा नजरिया कहता ये पूरा हिंदुस्तान है। वह चोटी राम की, दाढ़ी का रूप रहमान का है। वाह वाह, बैठा लो, दो सीट खाली करो, एक पे नहीं आएंगे। आ गए, धन्यवाद। नहीं, मैंने शायद नहीं है। सर पे चोटी राम की, दाढ़ी का रूप रहमान का है, कर्म मेरे गीता के, ईमा मेरा कुरान का है। वाह वाह वाह। सर देखो एक बात बताएं, लफ्फेबाजी, चुटकुले, लतीफे बहुत रात पर हो सकते हैं, लेकिन कभी मंच जो सजाई है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे वरिष्ठ और इतने घरिष्ठ लोगों को बुलाया। कप्तान मैं तो आपको थोड़ा माहौल देके चला जाऊंगा, कप्तान तो आप सुनना, दानिश जी से आदरणीय अगर प्रदीप जी ने अपना मतलब स्वस्थ रहे, उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो तो उनको बैठे रहे प्रभु कृपा से, तो उनकी कप्तान सुनना। रवि अपने आप में खुद, इसने कई जगह मेरी मंचों पर कई जगह झंडे गाड़े हैं, ये अलग बात है, बाद में हमने उखाड़े। बहुत अच्छा कवि, ईमानदारी की बात है। तब मैं ये कहता हूँ, सर पे चोटी राम की, दाढ़ी का रूप रहमान का है, कर्म मेरे गीता के, ईमा मेरा कुरान का है, सर से नख तक बसते सारे मजहब, पर दिल दिल से हिंदुस्तान का है, दिल से।